नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचार न्यूज के यूट्यूब चैनल में। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल की आकांक्षा पाठक न्यूयॉर्क फैशन वीक में चलने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई बनी है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि नेपाल ने न्यूयॉर्क फैशन शो में एक बहुत बड़ा अवार्ड जीता है। 18 वर्षीय नेपाली आकांक्षा पाठक जो वर्तमान में अमेरिका के टेक्सास में रहती है, शुक्रवार को न्यूयॉर्क फैशन वीक में रैंप वॉक किया। इस शो की शोभा बढ़ाने वाली पहली 18 वर्षीय एशियाई बन गई है। NYFW रनवे शो और प्रस्तुतियों का एक द्विवर्षीय कार्यक्रम है जो अगले फैशन सीजन के लिए डिजाइनरों के संग्रह पर प्रकाश डालता है। इस साल के शो में 32 मॉडल शामिल थे जिन्हें दुनिया भर के 1000 मॉडलों में से चुना गया था। पाठक इस साल NYFW में चलने वाली एकमात्र एशियाई है और कुल मिलाकर सबसे कम उम्र की भी है। और पाठक ने कहा, न्यूयॉर्क फैशन वीक चलना मेरा सपना था। मैं इतने बड़े आयोजन में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत खुश हूं और गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। और पाठक ने TGIF नेपाल फैशन वीक में भी भाग लिया था। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कासा के लिए भी मॉडलिंग की है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई वाला फैशन शो है और इस प्रकार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।